द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। तो इसकी मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ और फिर उसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हैं, मैं बारी बारी से सबको सॉल्व करूँगी, आप समझने की कोशिश करना वीडियो की हेल्प से। तो देखिए, द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब कोफिशेंट है, वो 1 हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है। तो अब यहाँ पे 1 की जो आपका ये है कॉन्स्टेंट नंबर है, उसके मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोफिशेंट 1 है तो हमें मल्टीप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे 4 होता, 2 होता, तो हम उसकी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करते। अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम 28 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस करके 11 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 28 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर 7 और 4 हैं, क्योंकि 7 4 जो 28, 7 और 4 11 होते हैं। तो अब हम यहाँ पे 1x स्क्वायर, इसके फैक्टर 7 प्लस 4 और x प्लस 28, ठीक है। अब 1x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4x प्लस 28। अब यहाँ से x आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 7 माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 यहाँ बचेगा, x माइनस 7 और x माइनस 4, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके इसके शून्यांक भी निकालने हैं तो इसी इक्वेशंस को जीरो के इक्वल रखिए। सबसे पहले x माइनस 7 को इक्वल टू 0, फिर x माइनस 4 को इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू निकालिए, x इजिकल्स टू 7 आ जाएगी और x इजिकल्स टू 4, ये इसके शून्यांक हो जाएंगे। ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिन्हें माइनस करके 3 आ जाए, तो 5 2 10, तो 1x स्क्वायर, 5 2 10, देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ से हम 1x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर को x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 बचेगा, प्लस के 2 कॉमन लेने पे x माइनस 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 एंड x प्लस 2 आपके फैक्टर हो जाएंगे, बस यहीं छोड़ देंगे, है ना। और शून्यांक निकालने हो तो इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे भी कोफिशेंट 1 है, इसको भी ऐसे करेंगे। 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आए, ठीक है, तो 6 3 18 होता है, और 6 में से माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो कीजिए 6 माइनस के 3 एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 6, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, यहाँ पे x माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बचेगा, इक्वल टू 0। x प्लस 6 और x माइनस 3 इसके इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 नहीं है, तो हमें इस 3 की मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट नंबर से करनी होगी। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो अब हमें जो यहाँ पे आया 3 आया है, उस 3 के ऐसे फैक्टर लेंगे जैसे प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 3 आए। 3 1 जा 3, प्लस करके आपका 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और 3x माइनस 1। देखिए, इतने इसी तरीके से आप कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ देखिए बहुत इजी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, x का एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 5 है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करेंगे कॉन्स्टेंट नंबर में, 5 2 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पे 3x आए। इस वाले साइन से हमें पता चलता है कि माइनस करें प्लस करें माइनस है, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके 3 आए, तो 5 2 10 माइनस करने पे 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 10 ही आएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 और माइनस करने पे आ गया आपका 3, यहाँ 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लेंगे, 5x x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ये सेम है तो बाहर लिख देंगे, और ये 5x प्लस 2 लिख देंगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके लिए हमें पहले से इक्वेशन में बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले से x की पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2, फिर माइनस के 4 की नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x
माइनस फोर टू जै एट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर फोर में से टू गए टू एक्स बचेंगे माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन है, वन की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एट के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके टू आए, फोर टू जै एट, तो वन एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स में से जब हम माइनस करेंगे टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो वन एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के टू एक्स माइनस के एट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर और x माइनस फोर बचा, यहाँ से प्लस टू कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस फोर बचा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए x माइनस फोर एंड x प्लस टू इसके क्वेश्चन की। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेंथ से रिलेटेड इजी ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट मेथड मैं डालती रहूँगी, और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।